नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको क्लास 8 NMMS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें हम आज सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सेट में बस विज्ञान के ही पोर्शन को कवर करने वाला हूं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और जो मैथ है इसका वीडियो अगले वीडियो में आपको बना के मैं दे दूंगा, क्योंकि एक में ही बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अपलोडिंग करने में थोड़ी सी समस्या हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाता है। इसलिए हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर करके आपको तब हम वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है यह है प्रीवियस ईयर सन 2018 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर लिखा गया है, सन 2018 का यह क्वेश्चन पेपर हम आपको सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन हम। तो जो सेट होता है वो 91 से स्टार्ट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 से सेट स्टार्ट होता है। इसमें दिया गया है किलो वाट घंटा मात्रक है, तो किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा, किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। और समय का मात्रक सेकेंड होता है, सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जिसको वाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा दूसरा राइट हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से अदिश कार्य जो होता है वो अदिश राशि होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको और भी क्वेश्चन बता दूंगा कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जानते रहिए कि जो कार्य है वो एक अदिश राशि है और ये सभी जो हैं ये सदिश राशि हैं। तो चलिए मैं इन सदिश और अदिश का आपको परिभाषा बता देता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों अदिश राशि का परिभाषा होता है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा, ये सभी जो मात्रक हैं ये सभी अदिश राशि के होते हैं। और सदिश राशि की परिभाषा, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। इसके भी कई उदाहरण हैं, जैसा कि आप सुन सकते हैं वेग, संवेग, रेखी संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व। इतने सभी जो राशियां होती हैं ये सभी राशि सदिश के अंतर्गत आती हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन किया है वो अदिश राशि का क्वेश्चन किया है, तो अदिश राशि में आपका कार्य जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। देखिए दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला जूल, तो यह जूल ऊर्जा, उष्मा और कार्य तीनों का मात्रक जूल होता है, और वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है और न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो वेबर राइट हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे और पूछता है कि उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। यह विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक है, आप ध्यान से समझिएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का आंसर क्या होगा, वेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, अर्थात किस माध्यम में प्रकाश बहुत धीमे गति से चलता है। तो दोस्तों आप ऑप्शन सबसे पहले पढ़िए, दिया गया है केरोसिन तेल, उसके बाद वायु, फिर दिया है जल, उसके बाद कांच। तो दोस्तों आप जानते रहिए कि जो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है, ऑप्शन जिस तरीके से दिया है उस तरीके से आंसर बताना है। वैसे सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का चाल होता है वह किस में होता है, वायु में होता है। ठीक, क्योंकि वायु एक गैस होती है और गैस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, तब जाकर के ठोस में होता है। तो आप देख सकते हैं ये तो गैस हो गया, इसमें चाल बहुत अधिक होगा, उसके बाद ये केरोसिन जो तेल है यह द्रव होता है, इसमें भी अधिक ही होगा, इससे कम होगा लेकिन कांच से अधिक होगा। उसके बाद जो जल है इसमें भी अधिक होगा, जो कांच है कांच में जो प्रकाश की चाल होगी सबसे कम अर्थात सबसे न्यूनतम होगी, क्योंकि कांच ठोस होता है इसलिए यहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पेपर देने गए थे वो गलत कर दिए हैं, दूसरा ऑप्शन मार दिए हैं, लेकिन ये गलत है, इन्होंने काफ़ी गलती कर दिया है हम देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। देखिए दोस्तों तीन प्रकार की तरंगें होती हैं, पहला तरंग होता है अवश्रव्य,
दूसरा होता है श्रव्य और तीसरा होता है पराश्रव्य। जो अवश्रव्य होता है मतलब पहला वाला तरंगे जो अपश्रव्य होता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। उसके बाद जो श्रव्य तरंगे होती हैं उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज ही होता है। उसके बाद जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। यदि अपश्रव्य होता तो 20,000 हर्ट्ज से कम हो जाता, अगर श्रव्य तरंगे की आवृत्ति पूछा होता तो 20,000 हर्ट्ज हो जाता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेगों में अनुपात 2:1 है तो उनके संवेगों में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप समझिए वेग को v से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो दो वेग हैं इसलिए हम v1 तथा v2 मान लेते हैं, ठीक। एक वेग हो गया v1, दूसरा वेग v2 हो गया। अब बता रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है वह 2:1 है, ठीक। अनुपात का मतलब होता है बटा, अर्थात 2:1 होगा, ठीक। अब संवेग होता है P1 तथा P2। मान लीजिए संवेग हम P1 और P2 मान लेते हैं, तो P1:P2, ठीक। अब देखिए आप एक संबंध समझिए कि P बराबर होता है m × v, ठीक। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग को ही बोला जाता है संवेग, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पे इसका हमें अनुपात निकालना है P1 और P2 का, इसके संवेगों का अनुपात निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिया गया है इसका बस मान आप रख दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए P1 है, P1 के लिए जो हम मान रखेंगे P मतलब बराबर mv होता है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे m1 और v1, ठीक है। और P2 के लिए अनुपात क्या हो जाएगा m2 और v2, ठीक है, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। लेकिन आप सबने बता रहा है कि जो द्रव्यमान है वो समान है, इसलिए ये m1 बराबर m2 हो जाएगा, मतलब अगला क्या हो जाएगा m v1 अनुपाते m v2। हमने इसलिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों समान है, m1 और m2 समान है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा। तब क्या होगा, अब दोस्तों ये अनुपात यहाँ से कट जाएगा, m1 m1 m का काम खत्म हो गया। उसके बाद जो बचता है v अनुपाते v2 बचा है, इसका मतलब v1 अनुपाते v2 जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2:1 ही आएगा, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसका वही आंसर होगा 2:1 ही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है, मतलब जो ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो बदलती नहीं है। तो देखिए दोस्तों जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात आंसर नंबर दूसरा ही हमारा राइट होगा। उसके बाद इसकी तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इसकी 97 क्वेश्चन का जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार में 20 कूलाम का विद्युत आवेश 5 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, चालक में प्रवाहित धारा होगी। तो दोस्तों धारा का सूत्र होता है धारा बराबर आवेश बटे समय। तो दोस्तों यहाँ पे आपको धारा ज्ञात करना है, और देखिए आवेश कितना दिया है, 20 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा आपका, आवेश है आपका 20 और बटे समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, तो आप 20/5 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, अर्थात 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ऑप्शन दिया है आभासी तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, आभासी तथा वस्तु के बराबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप एक चीज़ जानते रहिए, जब भी अवतल दर्पण होगा तो उसमें प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में आभासी बनता है, बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक ही बनता है। और यहाँ पे दिया गया है वक्रता केंद्र, और हमेशा वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के बराबर होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर आपका 99 का जो ऑप्शन होगा वो दूसरा राइट होगा, क्योंकि वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनेगा, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड मैं और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इससे लगभग 6 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पे होती है तब, उसके बाद जब वस्तु
वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, ठीक है, जब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, उसके बाद जब वक्रता केंद्र पर हो, उसके बाद वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, उसके बाद जब फोकस पर हो, उसके बाद एक क्वेश्चन करता है जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। तो इतने प्रकार से इसमें क्वेश्चन करता है, तो मैं सबका आंसर बता दे रहा हूँ। जब वस्तु अनंत पर होगा तो हमेशा वस्तु काफ़ी छोटा और वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा बनता है और वक्रता फोकस दूरी पर बनता है। सॉरी, एक बार फिर से आप इसको सुन लीजिए। जब वस्तु अनंत पर होता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर, उसके बाद वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है, ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होता है तब जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा ही बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा था, इसमें थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन ये कहाँ पर बनेगा, ये फोकस तथा अनंत के बीच में बनता है। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो बिल्कुल वस्तु के बराबर ही बनता है, और उसके बाद जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होता है तब उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर होता है तब उसका प्रतिबिंब काफ़ी दूर, मतलब बहुत दूर यानी अनंत पर बनता है, और उसके बाद वस्तु बहुत छोटा, जो प्रतिबिंब होता है उसका बहुत छोटा बनता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला है छठवां, जो इसी में आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब में अवतल दर्पण के लिए अभी तक जितना इसके पीछे हम बताए हैं सब में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है, ठीक है। तो इसमें जो हमेशा कैसे बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत और ध्रुव के बीच में बनता है, उसके बाद कैसा बनेगा आपका, हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है। और इसके पहले जो था सबके लिए वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पर पूछा गया था वक्रता केंद्र पर जब रखा रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु बिल्कुल बराबर और हमेशा वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, अर्थात कौन सा रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और दोस्तों मैं आपको प्रकीर्णन का मतलब बता देता हूँ, फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, मतलब कौन सा रंग बहुत ज़्यादा फैलता है, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। जो बैंगनी होता है इसका फैलाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन काफ़ी अधिक होता है। तो सबसे कम लाल का होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी में होता है और सबसे कम लाल में होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन होने के कारण ही हमें जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे.जे. थॉमसन ने किया था। चलिए दोस्तों मैं सभी ऑप्शन के इसमें बता देता हूं। तो जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था, सर जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, और डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था, ठीक है। जो परमाणु है उसका खोज डाल्टन ने किया था, और जो न्यूटन हैं इन्होंने गति के नियम को दिया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, सर जे.जे. थॉमसन थे। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का खोज करने वालों को पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे.जे. थॉमसन हो गए, प्रोटॉन की खोज करने वाले रदरफोर्ड हो गए, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसको भी आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसके पहले सात क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिया गया था आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो पहला सही होगा, अनंत होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है, पूछा है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस है, निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो मैं सबको बता देता हूँ कौन कौन से डिवाइस हैं। देखिए जो मॉनिटर है यह आउटपुट डिवाइस है, ठीक, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जो हार्ड डिस्क है यह स्टोरेज डिवाइस है, तो यही ऑप्शन सही होगा, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस ही है, ठीक। ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, ये हो गया इनपुट डिवाइस, ये हो गया स्टोरेज डिवाइस, और ये हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, हार्ड डिस्क। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ है,
शुष्क बर्फ सर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर राइट हो जाएगा CO2, इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है बॉक्साइट अयस्क है, तो जो बॉक्साइट है ये किसका अयस्क है, क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए था, फिर भी सही है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 107 क्वेश्चन नंबर 107, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, मतलब ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है यही पूछा गया है, तो वायु से ऊर्जा प्राप्त होती है, जल से भी ऊर्जा प्राप्त होता है और सूर्य से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमें सभी से ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या बताना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये न्यूक्लियनों की संख्या पूछा है, तो पहले आप न्यूक्लियनों का मतलब समझिए। न्यूक्लियनों का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, आप जानते होंगे कि परमाणु में एक होता है नाभिक और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। ठीक, तो जो बीच में होता है ये, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इन दोनों के योगफल को कहा जाता है न्यूक्लियन। ठीक है, तो यही दोनों का योगफल को द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है, तो मतलब यही है कि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या को ही पूछा गया है, तो ये जो 92 है यह परमाणु क्रमांक होता है और जो ऊपर लिखा रहता है यही द्रव्यमान संख्या होता है, या इसको आप कह सकते हो न्यूक्लियनों की संख्या ऊपर वाला होता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 238, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, यह पूछा गया है, तो आप यहाँ दिमाग लगाकर भी समझ सकते हैं जो अम्ल होता है उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम ही होता है। ठीक, क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान हमेशा 7 होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो दिया गया है ऑप्शन में ये 7 तो उदासीन होगा और ये 10-12 7 से अधिक है इसलिए ये क्षार होगा, तो यहाँ पूछा गया है अम्ल, तो वैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 2.75 होता है लेकिन लगभग में आप 3 बता सकती हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। वैसे भी समझ करके अगर आप जानते रहेंगे अम्ल का पीएच मान कितना होता है, हमेशा 7 से कम ही होता है, तो आप ऑप्शन में देखकर पता ही चल रहा है कि 3 ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूने की पानी से अभिक्रिया होती है, मतलब चूने का जब पानी से अभिक्रिया होता है तो वो अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उष्मा शोषी कहलाता है कि उष्मा क्षेपी कहलाता है कि उदासीनीकरण कहलाता है, तो चलिए दोस्तों हम रिएक्शन करके आपको दिखा देते हैं। चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यह चूने का सूत्र है, इसकी पानी के साथ क्रिया होगा अर्थात H2O, यह पानी का सूत्र है यानी जल का सूत्र है, इसका रासायनिक नाम डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके साथ जब यह रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो दोस्तों इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊर्जा भी, उष्मा या ऊर्जा आप जो भी बोलो, प्लस उष्मा भी मुक्त करता है। ठीक, उष्मा भी मुक्त करता है, तो आप दोस्तों जानते रहिए जिस भी रिएक्शन में हमें उष्मा प्राप्त होती है उस रिएक्शन को उष्मा क्षेपी रिएक्शन बोला जाता है और जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है उसे उष्मा शोषी कहते हैं, तो इस रिएक्शन में जब हम चूने की पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें उष्मा प्राप्त होगा अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, अगर उष्मा हमें देना पड़ता तो उसे हम उष्मा शोषी कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, NaHSO4 लवण है अर्थात, तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक, तो सोडियम बाइसल्फेट एक अम्लीय लवण होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये देखिए आपका, ये खाने वाले सोडे का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसके बाद ये है फेरस सल्फेट हेप्टा, इसको हेप्टा हाइड्रेट बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोला जाता है, तो फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, उसके बाद यहाँ पे है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिरके में उपस्थित होता है, सिरके में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ये एसिटिक सूत्र है, तो यही सिरके में अम्ल पाया जाता है। और जो फार्मिक अम्ल होता है इसका सूत्र HCOOH होता है, ये फार्मिक अम्ल है। तो यह है चूटी जो काटता है उसमें यह अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। ठीक, तो दोस्तों अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो जो आप चूटी जब काट लेता है, जब वो डंक मारता है तो आपके यहाँ चमड़े के ऊपर सूजन सा हो जाता है, धीरे धीरे फूलने लगता है। ठीक है, तो वही जो फूलता है वो फार्मिक अम्ल के कारण ही सूजना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक मतलब ऐसा जिसमें विद्युत प्रवाहित न हो, उसी को बोला जाता है विद्युत का कुचालक। तो आयरन, आयरन यानी Fe, इसको लोहा बोला जाता है। तो लोहा में तो विद्युत प्रवाहित होता है, इसमें करंट फ्लो होते हैं। उसके बाद जो कॉपर है Cu, कॉपर में भी विद्युत प्रवाहित होता है। और जो ग्रेफाइट है इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जो विद्युत का कुचालक हो। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा ये राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब आपका जीव विज्ञान से आ गया है, फलों का विकास होता है। तो फलों का विकास अंडाशय द्वारा होता है। ठीक है, इसमें देखिए फटाफट, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस आप देखते रहिए, ऑप्शन देखते रहिए। ठीक, देखिए 116 क्वेश्चन नंबर है, H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग है। तो H1 और N1 से जो रोग फैलता है वो होता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग दिख रहा है, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है, नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है। तो विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह है। तो समूह ओ होता है। ठीक, यह सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। ठीक है, ए बी सर्वग्राही होता है और ओ सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है। तो प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेनिसिलिन की खोज। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, इन्होंने गलत कर दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका का खोज किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, कोशिका की बिजली घर कहलाता है। तो दोस्तों कोशिका का बिजली घर माइटोकांड्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी यही विषाणु होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 125 नंबर, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ठीक, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। बस दोस्तों लास्ट यही क्वेश्चन था हमारा, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो सामाजिक विज्ञान से रहेगा, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारे लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब लोग देखें और सीख सकें, समझ सकें और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।